नमस्ते दोस्तों, कक्षा सातवी विषय हिंदी इकाई दो घटक चार शब्द संपदा। शब्द संपदा इस पाठ के रचनाकार हैं डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुबे। सूर्यनारायण रणसुबे इनका जन्म अपने देश में कर्नाटक राज्य में 7 अगस्त 1942 में गुलबर्गा नामक शहर में हुआ। इन्होंने बहुत ही रचनाएं अपने हिंदी साहित्य जगत को दी है। खास तौर पर उन्होंने 65 किताबें पुस्तकें अपने हिंदी जगत के लिए लिखी है। उनमें से विशेषताएं अनुवाद का समाज शास्त्र, हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय कार्य किया है। प्रस्तुत रचनाकार जो अनुवादक के रूप में, उत्कृष्ट लेखक के रूप में, प्राध्यापक के लिए रूप में, अनुवादक समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं, हिंदी साहित्य जगत में उनका नाम उल्लेखनीय है। अपने कार्यशैली के द्वारा साहित्य में उन्होंने बहुत ही योगदान दिया है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुबे जी कहते हैं कि अपने मनुष्य जगत में, संसार में शब्द का महत्व कितना कामयाब होता है, कितना अनन्य साधारण महत्व रखता है। शब्द आदमी को जोड़ता है, शब्द आदमी को अपने मन को उनके संकलित कर लेता है, लोगों का संगठन बना जाता है। शब्द में हमें मधुरता होनी चाहिए। शब्द संपदा हमारे पास में जितनी होनी चाहिए, वो होने से हमारे शब्द संपदा से हम उसका सही उपयोग कर सकते हैं। इस पाठ के माध्यम से डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुबे जी ने बौद्ध शब्द का, उसके शब्द संपदा की जागरूकता, उनकी जानकारी हमें दी है। इसे डॉक्टर की कहा जाता है उन्हें, तो डॉक्टर क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में PhD किया है। PhD बोले तो डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, इसलिए उन्हें डॉक्टर कहा जाता है। इस पाठ के माध्यम से शब्द संपदा का महत्व उन्होंने बताया है।